प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा षष्ठ का अध्याय 5 पंचायत राज के बारे में समझेंगे। और आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वह है ग्राम सभा, क्योंकि ये ग्रामीण व्यवस्था की सरकार की ग्रामीण व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है और गांव के विकास के बारे में चिंतन करती है, मनन करती है। तो इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे देश में, विशेष तौर से हमारे राज्य राजस्थान में, पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, यानी तीन स्तरों पर पंचायती राज को सरकार ने विभाजित कर रखा है। तो वह त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन कौन सी है उसको समझते हैं हम। सबसे पहली जो इसकी इकाई आती है वो आती है ग्राम पंचायत। जो सबसे निचले स्तर की व्यवस्था है वह है ग्राम पंचायत। इसके जो दूसरे प्रकार की व्यवस्था है वह है पंचायत समिति। पंचायत समिति और सबसे उच्च स्तर की जो संस्था होती है इसकी वह होती है जिला परिषद। जिला परिषद। तो इस प्रकार से तीन स्तरीय व्यवस्थाएं हो गई। अब इसमें जो जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं वह क्या क्या कहलाते हैं? तो ग्राम पंचायत में जनता का प्रतिनिधि बैठता है वह कहलाता है सरपंच। पंचायत समिति में जो जनता का प्रतिनिधि बैठता है प्रमुख रूप से वह कहलाता है प्रधान। और जिला परिषद में जो बैठता है वह कहलाता है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख के नाम से इसे जाना जाता है। उसी प्रकार से जो सरकारी बॉडी की सहायता के लिए बैठती है तो जो इसमें बैठती है ग्राम पंचायत में कहलाता है सचिव। वर्तमान में इसको ग्राम विकास अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में इसको जाना जाता है, पहचाना जाता है। नाम इसका अलग होता है। इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में वीडियो साहब कहते हैं, वीडियो साहब, लेकिन हिंदी में कहते हैं इसको विकास अधिकारी। विकास अधिकारी के रूप में इसको जाना जाता है। और इसका मतलब होगा ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफिसर और विकास अधिकारी। जो जिले का इसमें सबसे बड़ा अधिकारी होता है वह कहलाता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इसको जाना जाता है। इसके जो सरपंच के सहायता आदमी बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं वार्ड पंच, जिसको रनिंग भाषा में मेंबर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से पंचायत समिति में जो इसके सहायक होते हैं वह कहलाते हैं पंचायत समिति सदस्य। पंचायत समिति सदस्य इसको कहते हैं। और उसी प्रकार से इसमें कहलाते हैं जिला परिषद सदस्य। जिला परिषद सदस्य, इनका हर 5 साल में चुनाव होता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है और फिर इनका चयन किया जाता है। पंचायत की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरपंच का चुनाव सीधी जनता करती है और वार्ड मेंबरों का भी चुनाव करती है। तो इस प्रकार से सरपंच का सीधा चुनाव होता है, जबकि प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता ने जिन वार्ड पार्षदों को जिताया है, जिन पंचायत समिति सदस्यों को जिताया है, उनमें से किसी एक को प्रधान बनाया जाता है। उसी प्रकार से जिला परिषद में भी जिन जिला परिषद सदस्यों को जिताया जाता है उन्हीं में से कोई एक जिला प्रमुख बनता है। तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से प्रधान और जिला प्रमुख बनता है, जबकि सरपंच सरपंच प्रत्यक्ष रूप से बनता है। अब आते हैं हम आज के विषय पर, ग्राम
ग्राम सभा को संविधान में इतना पावर दिया गया है कि वह गांव के किसी भी मामले में निर्णय ले सकती है। अब ग्राम सभा कहते किसको है, तो किसी भी पंचायत क्षेत्र के निवासी जिनकी उम्र 18 वर्ष की हो चुकी है और जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो सारे निर्वाचन क्षेत्र निवासी ही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, केवल पंचायत कोरम नहीं होता है। यानी कि पंचायत का जितना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, वह एक गांव भी हो सकता है, दो गांव भी हो सकते हैं, पांच गांव मिलाकर भी हो सकते हैं, जितना भी बड़ा निर्वाचन क्षेत्र उसका होता है, तो उसके निर्वाचन मंडल में जितने भी सदस्य हैं, मतलब जितने भी मतदान करने वाले व्यक्ति हैं, वह सारे के सारे उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सरकार ने क्या कर रखा है कि प्रति वर्ष कम से कम 2 ग्राम सभाएं होना जरूरी है और 2 ग्राम सभाओं के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ग्राम सभा को ज्यादा शक्ति दी गई। ग्राम सभा की बैठक केवल पंचायत के अंदर ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। सरकार ने व्यवस्था की है कि ग्राम सभा की बैठक को कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर संपन्न किया जा सकता है और जहां तक मेजोरिटी यानी कि अधिकतम सदस्य जहां तक उपस्थित नहीं होते हैं, वहां तक उस ग्राम सभा की कार्यवाही को वैधानिक कार्यवाही नहीं माना जाता है। सारे गांव के व्यक्ति इकट्ठे होकर और फिर किसी भी मुद्दे पर गांव के विकास के किसी भी मुद्दे पर चर्चा की जाती है, उसमें प्रस्ताव लिए जाते हैं जो राष्ट्रीय हित के प्रस्ताव होते हैं, ऐसे प्रस्ताव लिए जाते हैं। अब इनमें कौन कौन से प्रस्ताव लिए जा सकते हैं सामान्य रूप से, जैसे वर्तमान में चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो सारे गांव के व्यक्तियों के बीच में पंचायत उन सारे व्यक्तियों के नाम पढ़ती है कि भाई फला फला व्यक्ति को सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में लिस्टेड कर रही है, ये आदमी इस योग्य हैं या नहीं है, सारे व्यक्ति मिलकर चर्चा करते हैं और फिर फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है। जैसे खाद्य सुरक्षा योजना में किन किन गांव के व्यक्तियों को मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए, उनकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है। वृद्धावस्था पेंशन के बारे में निर्णय लिए जाते हैं, नरेगा के अंदर कौन कौन से काम करवाने हैं, उन सारे विषयों पर चर्चा की जाती है, निर्णय लिए जाते हैं और बहुमत के आधार पर सारे निर्णय तैयार किए जाते हैं। ग्राम सभा की जितनी भी कार्यवाही होती है, सरकारी बोली जो सचिव होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है, सारी चीजों को रिटर्न में लिखता है, एक रजिस्टर रहता है ग्राम सभा का, तो उनको सारे प्रस्तावों को उसमें लिखा जाता है और लिखने के बाद में सारे प्रस्तावों पर उपस्थित जनता के हस्ताक्षर किए जाते हैं, यानी कि गांव की उपस्थिति में गांव के विकास के निर्णय लिए जाते हैं। तो जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, विशेष तौर से नरेगा में प्रस्ताव लिए जाते हैं कि कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास से जुड़े हुए हैं, इनके अलावा और भी मुद्दे इसमें शामिल, पेंशन है, वृद्धावस्था, इसके अलावा रोजगार के अवसर तलाश में है, वाटर सेड प्रोग्राम, यानी कि सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं होती है, उन सारी योजनाओं के प्रस्ताव ग्राम सभा में लिए जाते हैं ताकि उन प्रस्तावों के बारे में सारे गांव की जनता को पता हो। और वैधानिक बैठक जब होगी, जब गांव के अधिकांश व्यक्तियों को उस बैठक में हस्ताक्षर होंगे, यानी कि उनकी उपस्थिति में यह बैठक आयोजित की जाएगी। तो गांव की उपस्थिति में बैठक आयोजित करने के कारण ग्राम सभा को संविधान में विशेष अधिकार दिया गया है कि इसमें लिए गए प्रस्ताव सारे जगह मान्य रहते हैं, यदि उनको बदलना है तो वापस ग्राम सभा के माध्यम से ही उनको बदला जा सकता है।
पंचायत की बैठकों में सबसे शक्तिशाली यदि कोई बैठक होती है तो वो होती है ग्राम सभा, जिसकी अध्यक्षता सरपंच करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच कर सकता है, इन दोनों की सहमति से कोई भी वार्ड पंच कर सकता है, और इन तीनों की सहमति से गांव का कोई भी विशेष व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति, समाज सेवक इसकी मॉनिटरिंग अध्यक्षता कर सकता है। जब जब भी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है, उच्च अधिकारी भी वहां पर दौरा करने पहुंचते हैं। पंचायत समिति का विकास अधिकारी आ सकते हैं, जिला परिषद से कोई अधिकारी आ सकते हैं, साथ ही ब्लॉक के कोई भी जो अधिकारी रहते हैं, जो एसडीएम हो सकता है, जिला कलेक्टर हो सकते हैं, ये भी उस बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं, चर्चा में शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्राम सभा में जितने भी प्रस्ताव अनुमोदित किए जाते हैं, फिर अग्रिम कार्यवाही के लिए उन सारे प्रस्तावों को उसे उच्च संस्था पंचायत समिति में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने ग्राम सभा के बारे में विस्तार से समझा है। जय हिंद।